तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर लगे माघ मेले का बीते शनिवार को महाशिवरात्रि के साथ समापन हो गया। इन 44 दिनों तक संगम तीरे लगे माघ मेले में इस वर्ष लगभग 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो माघ मेले का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने इस साल संगम किनारे आयोजित आस्था के सबसे बड़े सालाना धार्मिक और सांस्कृतिक समागम माघ मेले को महाकुंभ 2025 के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का निर्णय लिया था। इसको भव्य बनाने के लिए सरकार ने अब तक का माघ मेले का सबसे बड़ा बजट भी आवंटित किया। सीएम खुद इस आयोजन की मॉनिटरिंग करते रहे। सरकार का ये प्रयास सफल भी रहा। माघ मेला पुलिस प्रभारी राजीव नारायण मिश्रा के मुताबिक इस बार के माघ मेले में 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। माघ मेले में अब तक दर्ज की गई श्रद्धालुओं की यह सबसे बड़ी संख्या है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके पूर्व माघ मेला में 4,30,00,000 श्रद्धालु पहुँचे थे। संगम किनारे 44 दिन तक चले इस आयोजन में करोड़ों की संख्या में आए श्रद्धालुओं की वजह से माघ मेले में इस साल बड़ा कारोबार भी हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल के मुताबिक इस बार माघ मेले में लगभग 156 करोड़ का व्यापार हुआ है। इसके अलावा प्रयागराज के माघ मेले की वजह से वाराणसी, अयोध्या और विंध्याचल जैसे तीर्थों में भी तीर्थ स्थल के आसपास के इलाकों में कारोबार की स्थिति मजबूत हुई है। महेंद्र गोयल ये भी बताते हैं कि माघ मेला के इस आयोजन में 2,00,000 से अधिक लोगों को अस्थायी रोजगार मिला, जो एक बड़ी उपलब्धि है।